टीवी एक्टर विवियन डिसेना अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से दूर रखते हैं। उन्होंने पिछले साल गुपचुप तरीके से शादी की। उनकी 4 महीने की एक बेटी भी है। जब ये खबरें आनी शुरू हुई तब जाकर विवियन ने इस पर चुप्पी तोड़ी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो ईसाई परिवार में पैदा हुए लेकिन अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अब वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं और इससे उन्हें बहुत सुकून मिलता है। इस वक्त रमज़ान का महीना चल रहा है जो मुस्लिमों के लिए बहुत मायने रखता है। विवियन ने एक फ़ोटो शेयर की और बताया कि उन्होंने अपनी पहली तरावी पढ़ी है। विवियन ने अबू धाबी की मशहूर शेख जायद मस्जिद की एक फ़ोटो शेयर की और बताया कि उन्होंने रमज़ान की अपनी पहली तरावी पढ़ी है। बता दें कि तरावी रमज़ान के महीने में रात में पढ़ी जाने वाली अतिरिक्त नमाज को कहते हैं। विवियन ने फोटो के साथ लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह आज का सबसे अद्भुत अनुभव था। शेख जायद मस्जिद के पीछे अपनी पहली तरावी की नमाज अदा की। अल्लाह सभी की दुआएं कबूल करे। रमज़ान मुबारक। इससे पहले ई टाइम से बात करते हुए विवियन ने कहा था, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ नहीं बदला है। मैंने ईसाई परिवार में जन्म लिया था और अब मैं इस्लाम फॉलो करता हूँ। मैंने साल 2019 में रमज़ान के पवित्र महीने से इस्लाम को मानना शुरू किया। मुझे बहुत शांति मिली। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। उम्मीद है कि इसके बाद तमाम कयास लगने बंद हो जाएंगे। विवियन ने मिस्र की पूर्व पत्रकार नॉरन अली से गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। एक इंटरव्यू के सिलसिले में दोनों की मुलाकात हुई थी और फिर उनके बीच नज़दीकियां बढ़ी। एक्टर ने साल 2013 में वाहबिज दुराबजी के साथ शादी की थी। साल 2021 में उनका तलाक हुआ। विवियन आखिरी बार टीवी सीरियल सिर्फ तुम में नजर आए थे। उन्हें लोकप्रियता मधुबाला सीरियल से मिली थी। वेल, विवियन के धर्म परिवर्तन पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट्स के जरिए ज़रूर बताएं।